हेलो फ्रेंड, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे एक कोबल मैपर सॉफ्टवेयर में कैसे क्रॉस सेक्शन जनरेट करते हैं। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल के लिए मैं जो डेटा यहाँ पे सैंपल डेटा लिया हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास दो CSV फाइल है, एक डेटा वन एंड डेटा टू नाम से है। तो CSV फाइल में इस जगह पे बेसिकली ईस्टिंग नॉर्थिंग एंड एलिवेशन का कोऑर्डिनेट है, जो एक सर्वे का डाटा है। तो ये फाइल सबसे पहले ग्लोबल मैपर में हम लोगों को लाना है, उसके बाद उसका सरफेस क्रिएट करना है और फिर हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेटा को इंपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे डेटा ओपन डाटा फाइल में जाता हूँ और फिर मेरा डेस्कटॉप में जहाँ पे डाटा है, मैं ड्रॉइंग डाटा वन को सबसे पहले चूज़ करता हूँ और उसके बाद ओके। फिर यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है जो फिलहाल मैंने यहाँ पे सेट करके रखा हूँ कि ओनली पॉइंट फीचर्स इंपोर्ट करना चाहता हूँ वो जो डाटा है उनमें से, और डेलिमीटर में मैं कॉमा रखता हूँ और फिर यहाँ पे ओके कर देता हूँ। उसके बाद मेरे यहाँ पे प्रोजेक्शन सिस्टम असाइन करना है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, UTM प्रोजेक्शन सिस्टम, और उसमें जोन मैं चूज़ किया हूँ, मेरा जोन है 45 नॉर्थ का। फिर मैं इसको ओके करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो डाटा है एज ए पॉइंट फीचर्स के हिसाब से गूगल मैप में इंपोर्ट हो गया है। अभी एज पॉइंट फीचर से मैं यहाँ पे सर्किट क्रिएट करूँगा, तो उसके लिए जाना है एनालिसिस मेनू पे और फिर लेना है क्रिएट एलिवेशन ग्रिड फ्रॉम 3D वेक्टर और लाइडर डाटा। फिर यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसका डिस्क्रिप्शन नाम दे सकता हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ये मेरा सर्फेस क्रिएट हो गया। अभी अगर मैं मेरा जो डाटा था CSV फाइल पॉइंट उसको बंद करूँ तो ये मेरा सर्फेस इसमें क्रिएट हो गया। अभी इस डाटा के ऊपर मैं क्रॉस सेक्शन जनरेट करने के लिए आपको जाना है टूल्स पर लेना है पाथ प्रोफाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पे आपका अलाइनमेंट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा जो पाथ होगा। तो मैं इस तरीके से अलाइनमेंट दिखाता हूँ, तो ये दो पॉइंट में मैं अलाइनमेंट दिखाऊँ तो जब दिखा है तो तुरंत मेरा यहाँ पे इसका प्रोफाइल यहाँ पे ओपन हो गया, मतलब ये लॉन्ग सेक्शन इस जगह पे ओपन हो गया इस व्यू में। आप चाहे तो इसको अपने विंडो के इसको अरेंज भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको मैं इस तरीके से रखता हूँ और ये डाटा भी इस तरीके से जूम इन रखता हूँ। अभी इस जगह पे मुझे क्रॉस सेक्शन दिखाने के लिए आपको जो आपका प्रोफाइल व्यू का विंडो है उसका सेटिंग पे जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले सीरीज प्रोफाइल इसको चेक ऑन करना है और फिर इसका परपेंडिकुलर सैम्पलिंग सेटिंग में जाता हूँ और इस जगह चूज़ करता हूँ, मेरा रेगुलर इंटरवल पे क्रॉस सेक्शन जनरेट होगा। तो इसको चूज़ किया, उसके बाद आपको यहाँ पे क्रॉस सेक्शन इंटरवल यहाँ पे देना है। तो मैं यहाँ पे 20 मीटर इंटरवल रखता हूँ, तो 20 मीटर इंटरवल रख के मैं अगर यहाँ पे अप्लाई करूँ तो इस जगह पे देखिए मेरा क्रॉस सेक्शन जनरेट होगा। मगर इस जगह पे आपका अलोंग द अलाइनमेंट उस जगह पे कितना विड्थ पे ये क्रॉस सेक्शन जनरेट होगा वो विड्थ यहाँ पे देना है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे 1000 मीटर ये डालता हूँ और फिर यहाँ पे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आप प्लान व्यू में देख सकते हैं कि ये क्रॉस सेक्शन का लाइन है और साथ ही साथ यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं। आप इस बटन पे क्लिक करके इसको मूव कर सकते हैं, आप दोनों जगह पे देख सकते हैं कि हर एक क्रॉस सेक्शन आपको इसी तरीके से 20 मीटर इंटरवल पे आपको दिखा रहा है। आप किसी भी टाइम पे इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं फिर सेटिंग पे जाता हूँ, परपेंडिकुलर आप इस जगह पे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 10 मीटर इंटरवल देता हूँ, ओके एंड देन ओके। तो ये 10 मीटर इंटरवल पे शिफ्टिंग होगा अभी। तो ये वन एक टाइम का डाटा टेकन वन उसको क्रॉस सेक्शन जनरेट किया। अगर इस जगह पे आप और एक सरफेस और एक डाटा को इस जगह पे ओपन करना चाहते हैं तो मैं ये क्रॉस सेक्शन वाला विंडो बंद नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली जाता हूँ फाइल एंड ओपन डाटा, उसमें मैं डाटा टू को चूज़ करता हूँ और फिर ओपन, और सेम पैरामीटर में इसको ओपन कर लेता हूँ सेम प्रोजेक्शन सिस्टम में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डाटा टू भी मेरे यहाँ पे पॉइंट ओपन हो गया, इसको भी मुझे सरफेस बनाना है। तो फिर एनालिसिस में जाता हूँ, क्रिएट एलिवेशन ग्रिड बनाता हूँ, तो डाटा टू को मैंने यहाँ पे चूज़ किया और फिर ओके, और मैं यहाँ पे डाटा टू का भी एलिवेशन सरफेस मॉडल क्रिएट कर लिया। तो जब सरफेस मॉडल क्रिएट किया तो ऑटोमेटिक देखिए मेरा क्रॉस सेक्शन विंडो में भी दो प्रोफाइल यहाँ पे आ गया है। मैं इसी भी टाइम अगर इसको बंद करता हूँ कोई भी सरफेस को तो यहाँ पे एक सरफेस आपको दिखाई देगा, अदरवाइज आप जब भी दो सरफेस को यहाँ पे टिक लगाएंगे तो आपको सरफेस क्रॉस सेक्शन के विंडो में वो आपको दिखाई देगा। तो इसी तरीके से आप
हर एक सेक्शन को यहाँ से देख सकते हैं कि आपका 10 मीटर इंटरवल फिलहाल सेट है, तो इस तरीके से गूगल मैपर में क्रॉस सेक्शन जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद रखता हूँ ये वीडियो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको। थैंक यू।